कांग्रेस की लुटिया डुबाने के लिए एक ही पप्पू काफी है, तो कांग्रेस कभी भी अपनी पार्टी में दूसरा पप्पू बर्दाश्त नहीं कर सकती। फूट डालो, राज करो और नफरत फैलाओ की नीति पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार रूपी एक पेड़ और उसकी शाखाएं, ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस, ये कहीं ना कहीं सौ और मात का खेल आरजेडी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, ये भी समझना है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, विभिन्न प्रकार के घोटालों की श्रृंखला खड़ी कर दी। और गरीबों के आंखों के जो सपने हैं ना, उनको पूरा करने के लिए अगर कोई देश में काम कर रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप पेनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। आज इनसे मुख्य रूप से बात करेंगे पप्पू यादव के कांग्रेस में जाने पर और फिर उसके बाद उन्हें टिकट नहीं देने पर। सुमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो हैं वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लेते हैं, अब इसके बाद भी उन्हें उनका मन चाहा सीट नहीं मिलता है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, कांग्रेस के बारे में जब आप मूल्यांकन करेंगे ना, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कांग्रेस की लुटिया डुबाने के लिए एक ही पप्पू काफी है, तो कांग्रेस कभी भी अपनी पार्टी में दूसरा पप्पू बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब ये भी समझना है कि जैसे लाल रंग का कपड़ा देख के सांड भड़क जाता है ना, वैसे ही पप्पू नाम सुनते पूरी की पूरी कांग्रेस भड़क जाती है, तो ये दूसरा पप्पू तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस का जब आप मूल्यांकन करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, तो मैं बार बार कहता हूं कि इस देश पर जो लगातार सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं, जिनमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आक्रमण होता है, और ये सांस्कृतिक आक्रमण होते हैं, तो इसी सांस्कृतिक आक्रमण की उपज अगर कोई है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो फूट डालो, राज करो और नफरत फैलाओ की नीति पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। इसने लगातार देश को खंडित करने की बात की, इसने लगातार देश को लूटने का काम किया, और आज भ्रष्टाचार रूपी एक पेड़ और उसकी शाखाएं, ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस, मुलायम परिवार, मुफ्ती परिवार, लालू परिवार, स्टालिन परिवार, ये परिवारवाद की मंडली, जब आपने देखा होगा कि बाढ़ आने पर एक पटरी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु चढ़ जाते हैं और ये अपना अपना समय आने पर जहर छोड़ते रहते हैं, तो देश को लूटने की बात करने वाले लोग हैं। बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए कभी ये बात करने वाले लोग नहीं हैं। और ये भी समझना है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि पप्पू जी तो सबसे पहले लालू जी से मिलने गए थे, लालू जी ने जानबूझकर अपना पप्पू इम्प्लांट किया, जो एक पार्टी है जिसमें पहले से एक पप्पू है उस पार्टी में इन्होंने अपना पप्पू इम्प्लांट कर दिया ताकि दूसरे पप्पू को परेशानी हो जाए। ये कहीं ना कहीं सौ और मात का खेल आरजेडी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, ये भी समझना है। ये फुटेज टेकर हैं, ये जानबूझकर ऐसा काम करते हैं जिस पर आप मुझसे सवाल करें और भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते मुझे इस पर जवाब देना पड़े और ऐसे लोगों को फुटेज मिले। ये छुट भैया काम करने वाले लोग, छुट भैया बयान देने वाले लोग जिनको कोई नहीं जानता है, ये ऐसे लोग जो हैं जिन लोगों ने लगातार क्रमिक रूप से बिहार की धरती को लूटा, जिन लोगों ने बिहार की धरती को पलायन की धरती बनाने का काम किया, बुद्ध और महावीर की धरती को, गुण और ज्ञान की भूमि को इन्होंने अशिक्षा की भूमि बनाने का काम किया, बिहार की भैंसों की जो हड्डियां हैं वो गला दी, भैंसों का चारा चोरी कर लिए, भैंसों का चारा खा गए, ऐसे लोग जानबूझकर सिर्फ अपने ही बेटों के बिजनेस को बचाए रखने की बात करते हैं। ये सिर्फ जाति और अलग अलग जातियों को बांट करके उनके अंदर फूट डालो, नफरत फैलाओ की नीति का अनुकरण करते हुए ये बिहार की राजनीति को समाप्त कर देना चाहते हैं, बिहार की राजनीतिक नौचेतना को समाप्त कर देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि लालू यादव अपने बेटे के सामने किसी और यादव को उभरता हुआ बिहार का नेता नहीं देखना चाहते? निश्चित रूप से आज जो बच्चे, मैंने आपके चैनल पे इंटरव्यू में पहले भी बताया है कि बिहार में आज जो बच्चे गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी का शिकार हुए हैं, उनके पिता का भी भविष्य अगर किसी ने खराब किया है तो लालू जी जैसे नेता ने किया है। इन्होंने सिर्फ अपने बेटों के बिजनेस को सेटल करना चाहा, अपने परिवार के बिजनेस को सेटल करना चाहा, वो तो सजा याफ्ता मुजरिम है, ये भी तो समझना है ना। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, विभिन्न प्रकार के घोटालों की श्रृंखला खड़ी कर दी। आज उनके नेता और उनके जो सुपुत्र हैं वो कहते हैं कि नौकरी बांटी,
कौन सा ऐसा राज्य है जहां उप मुख्यमंत्री नौकरी बांटता और मुख्यमंत्री जो है वो देखता रहता हो, ये भी तो समझना है ना। पहले इन लोगों ने चारा चोरी किया, आज क्रेडिट चोरी करते हैं, दूसरे के कार्यों का क्रेडिट चोरी करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर एक ही एजेंडा है, परिवारवाद की मंडली को बचाए रखना, परिवारवाद के बिजनेस को सेटल करते रहना, ये भी समझना है। आज वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर संपूर्ण भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। महाउपनिषद के शब्दों का अनुकरण करते हुए आज संपूर्ण देश जब आगे बढ़ना चाहता है तो उसको डैमेज करने के लिए कौन लोग आगे आते हैं? यही राहुल गांधी जैसे लोग। राहुल गांधी का तो पूर्व में भी आपने बयान सुना होगा ना, जो कहते हैं कि शक्ति के खिलाफ लड़ना है। कौन? शिव और शक्ति के खिलाफ आप लड़ेंगे क्या राहुल गांधी जी? ये भी तो समझना है ना। ये इस देश की माताओं ने, बहनों ने जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा माना है, अपना भाई माना है, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली माताओं के लिए, बहनों के लिए जिस प्रकार से शौचालय की व्यवस्था करवाई गई, आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं के लिए, बहनों के लिए जिस प्रकार से कार्य किया गया, ये भी तो देखना है ना। तीन राज्यों में जो चुनाव होते हैं और उस चुनाव परिणाम जब निकल करके आता है तो आपने देखा होगा कितना बड़ा विशाल बहुमत जो है वो प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है ये भी समझना है, क्योंकि कि उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, जो बच्चे कुपोषण में मर जाया करते थे, उन बच्चों की सुरक्षा के लिए, उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, जो माताएं बहने जो प्रजनन के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाया करती थी, उनके लिए हेल्थ सेंटर्स बनवाने का काम किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वसुधैव कुटुंबकम और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का पूरा जो प्रदेश है, उस प्रदेश में रहने वाले विभिन्न संप्रदाय, मजहब, पंथ को मानने वाले जो लोग हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी उन्नति और उनके भविष्य और गरीबों के आंखों के जो सपने हैं ना, उनको पूरा करने के लिए अगर कोई देश में काम कर रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, और इसके लिए हम वचनबद्धता के साथ काम करते रहेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव को भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए था, उनके पार्टी को बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए था? क्योंकि बीजेपी में यादव नेता की कमी है, नहीं तो फिर बीजेपी क्यों लाती किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को, यादव मुख्यमंत्री को बिहार में? देखिए, मैंने आपको बार बार बताया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो भारत की मिट्टी को माँ मानता है, वो भारत का बेटा है। इसको बांट करके देखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अलावा पप्पू यादव की बात कर रहे हैं आप, तो ये भी समझना है कि ऐसे लोगों के विषय में बात करके ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फुटेज देने की आवश्यकता नहीं है। जनाधार विहीन लोगों पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। बात करने की आवश्यकता है राष्ट्र की एकता, अखंडता और बिहार की उन्नति और उत्थान के विषय में। बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार में के गरीबों के जो सपने हैं वो कैसे पूरा हो। रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति, ठेला चलाने वाले व्यक्ति, सब्जी बेचने वाले व्यक्ति, मजदूरों का काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका बच्चा एमपी एमएलए कैसे बने, बच्चा मुख्यमंत्री कैसे बने, इस बात को सुनिश्चित करना जो है ये प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। वो गरीबी रेखा के नीचे न रहें और उनके लिए लगातार काम जो है वो करना पड़े, इसके लिए लगातार प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कर रही है। लेकिन ये लोग तो लगातार, इन लोगों ने लगातार देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया है। ऐसे लोगों ने, ये परिवारवाद की जो जमात है, इसने तो देश को लूटने का काम किया है ना। देश को लूटने के अलावा इन्होंने किया क्या है? अच्छा, एक सवाल और आपसे, यदि पप्पू यादव बीजेपी में शामिल होना चाहे तो भाजपा उन्हें एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, हाइपोथेटिकल प्रश्नों का ना जवाब नहीं होता है। हाइपोथेटिकल प्रश्नों का जवाब जो है, हम राष्ट्र की उन्नति और उत्थान के लिए काम करने वाले लोग हैं। राष्ट्र की उन्नति और उत्थान से आगे बढ़कर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। भारत की मिट्टी हमारी माँ है और भारत की मिट्टी के लिए हमें काम करना है। आजकल आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो लगातार अनर्गल बयानबाजी करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास एक एजेंडा है समाज को तोड़ने का, समाज को दिग्भ्रमित करने का। आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन। स्टालिन जाकर के कहता है वहां पर कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, इस प्रकार की बातें करते हैं ये लोग। लेकिन हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, हम समाज और कल्चर को बनाए रखने की बात करते हैं। और भारत का कल्चर
क्या है, उस कल्चर को बनाए और बचाए रखने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें गलत क्या है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को सुनिश्चित करेंगे आने वाले समय में, 2014 से इस बात को सुनिश्चित करते आ रहे हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इन तीनों सेक्टर्स में आने वाले जो भी लोग हैं और देश के का जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहा है, उनके सपनों को भी पूरा करना हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। जब तक उनके सपने पूरे नहीं हो जाते, उनका भविष्य नहीं बनता, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए शशांक जी, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी बिहार के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप NMF न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।